أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مقلوب كل قَالِبَ غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وعلى عَلَيْهِ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضحب الله عنهم الرسل وقخرهم فقهيرا ولعنه الله على عدائهم اجمعين من يؤمن هذا الى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات الله फिर रब्बुल रबुल्ज़त है कि पैगम्बर इनसे कहो इन मुसलमानों से कि अगर वो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो फिर मेरी पैरवी करें इसलिए कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा और उनके गुनाहों को बख्श देगा और तनहा गुनाहों को बख्श देगा बल्कि अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाह बख्शने वाला है और रहमत करने वाला है इस आयत के जैल में कि हकीक़त दीन मोहब्बत खुदा बंद मताल है इस मौजू से गुफ्तगु चल रही थी और जिस इंसान के दिल में ये दावे मुसलमानियत है और कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ उसके दिल में अगर मोहब्बत ख़ुदा है तभी वो साल इस्लाम है और अगर दिल में महब्बत खुदा नहीं है तो वो इस्लाम का शमा भी नहीं पाया असल दीन और उसकी हकीक़त सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत खुदा है जिसके जैल में अल्लाह ने यह पैगाम पहुँचवाया मैंने उस हदीस को भी आपके सामने प्रूफ़ में पेश किया कि इमाम फरमाया हाल दीन आखब क्या दीन सिवाय मोहब्बत के कोई और चीज़ हो सकती है इसका मतलब ये है कि दीन की हकीक़त सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं अब ये मोहब्बत, अल्लाह ने क़ायम किया है कि खुद मोहब्बत का क्या मेार है और कैसे पहचाने की मोहब्बत आपके अंदर पाई जाती है कैसे जाने कि कल तीन आपके सामने तें जो कुरान ने जिक्र की हैं वो मैंने पेश कुरान मजीद में तीन अलामतें इस बात की कि ये महब खुदा है मौजूद हैं और भी भीतें हैं तीन के अलावा भी कि इन शो भी इन्हीं मजालस में आएँगी उनमें से पहली पहलीत मैंने ये बयान की थी कि जो भी शख्स अल्लाह से मोहब्बत रखता है वो ख़ुद ये आयत बयान कर रही है कि उसके यहाँ इतबा रसूल मुतजली होना चाहिए कि रसूल की पैरवी आया और रोशन और वाज होनी चाहिए और रसूल की पैरवी करने वाला कौन होगा उसकी पहचान ये है कि अगर वो रसूल की पैरवी करता है तो रसूल उसे अपनों में से कहता है कि फमन तब ही फ इन मिन्नी जो मेरी पैरवी करे वो मिन्नी मुझ में से है दूसरी पहचान ये थी कि जो रसूल की पैरवी करे फिर उससे खुदा मोहब्बत करेगा और उसके लिए उसने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि खुदा ने किसी से मोहब्बत ना किया हो तो वो भी पहचान कि किससे खुदा ने मोहब्बत किया वो भी हमने आयत आपके सामने पढ़ी कि फ़सोफा यात अल्लाब कौमिन युबिब को मह अल्लाह जो है उनसे मोहब्बत करेगा और फसोफ़ा यात ल्लाब कौमिन फ्ब हम फुहब्ब्बूना यह कौम की जिसे अल्लाह ले आएगा इससे अल्लाह मोहब्बत करता है और ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ये कुरान ने तारुफ कराया पहचानवाया कि कौन है जो पहविये रसूल करते हैं और उनको कैसे पहचाने हम आज ये बात करना चाह रहे थे कि जब दीन असल मोहब्बत करार दिया गया तो अब जिसके पास मोहब्बत होगी खुदा की वही दीनदार करार दिया जाएगा और इस चीज़ की आगाही कि इसके पास मोहब्बत खुदा है कि नहीं इन दो तीन आयतों से कल मैंने वाज़ह किया कि इसकी आगाही खुदा के पास है खुदा ही जानता है कि उसकी मोहब्बत इनके दिलों में है कि नहीं और जहाँ थी वहाँ उसने पहचानवाया बताया कुरान में उनका नाम ले आया कल बयान करने की वजह यही थी कि आज का मुकदमा करार पाए कि आप पहचान सकें कि इस बात की आगाही सिवाय खुदा के किसी और के पास नहीं है सिर्फ़ एक तरीक़ा जानने का है वो रसूल की पैरवी थी तो अब अगर सब पैरवी करते हुए नज़र आए आपको तो आया सब जो हैं मुतबे हैं भी या नहीं उसके लिए भी अल्लाह ने बताया कि मेार ये है कि जो मिन्नी में से हों वो पैरों हैं असली बाकी जो है वो किसी एक चीज़ में पैरवी अगर हमने कर ली और दूसरी चीज़ में पैरवी हमने नहीं की तो सही पैरव हम नहीं हुए लिहाजा वो भी कुरान ने वाज़ किया तो दीन अल्लाह की मोहब्बत और इस मोहब्बत की ये पहचान और सबसे बेहतर अल्लाह जानने वाला अगर वो किसी के दीन को कहे कि ये दीन धार है और इसका दीन दुनिया में कोई इसके मुकाबिल नहीं है तो ज़ाहिर है कि उसके यहाँ मोहब्बत खुदा भी मुतजल्ली है और पैरवी रसालत भी मौजूद है और ख़ुद खुदा भी उससे मोहब्बत कर रहा है तभी तो उसके दीन को मकाम चैलेंज में ले आ रहा है कि इस दीन के मुकाबले में अगर कोई दीन रखने वाला है तो आए दिखाए और बताए तो जिसके दीन को वो ख़ुद अल्लाह दीन कह रहा हो जिसके दीन को अल्लाह ये कह रहा हो कि इसका दीन है इसके मुकाबले में ले आओ कोई दीन तो ये बिल्कुल रोशन है कि अब इसके दीन में कहीं से खोट नहीं पैदा हो सकता इसका दीन महफूज और मुताबिक कुरान है दरा हाले की कुरान बाद में नाजिल हो रहा है और दीन का तहदी अल्लाह पहले से कर रहा है और इसको आप मुलाहजा करें कि जब असल दीन की बुनियाद मोहब्बत खुदा करार दी गई तो अब साहिब दीन जो है कि जिसके दीन को खुदा कह रहा है कि कोई इसके मुकाबिल नहीं है उसके यहाँ मोहब्बत खुदा हर हाल में मौजूद है और वो ख़ुद ख़ुदा से मोहब्बत कर रहा है और जो ख़ुदा से मोहब्बत कर रहा है उसकी पहचान इताअत तो इतबा रसूल है इतबा रसूल वास्ता करार दिया है अल्लाह ने इस मोहब्बत खुदा की पहचान का तो आप ये भी अंदाज़ा करें कि एक मोहब्बत इलाही ज़ाहिर करने के लिए भी मुसलमान बग़ैर वसीले के नहीं रह सकता जो इबादत करना इबादत करना अल्लाह की इबादत करना किसी की ना करना इतने नारे हैं मगर फिर भी मोहताज है इस एक मोहब्बत के इजहार के लिए नबी की पैरवी जब तक ना हो मोहब्बत जाहिर ना हो एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अब बग़ैर वसीले के नबी की बग़ैर वसीला लिए हुए अल्लाह की मोहब्बत जाहिर नहीं हो सकती है और इस नबी की इस कदर बुलंदी है कि उसने वसीला करार दिया है अपने मोहब्बत के पैमाने के लिए कि अगर हमारा कोई मुहब है और उसे पहचानना है तो तुम इस नबी की सीरत पर जो अमल करता चला रहा है उसको हमारा महब समझना और ये भी बता दिया है कि जो सीरत पर अमल नहीं करता वो कौन होगा ऐसा नहीं किया इसी आयत के फौरन बाद का कुल अति वातिर रसूल फ़ैन तवल्ल फ़ैन अल्लाह हब्बुल काफ़रीन आ पैगम्बर इनसे कहो कि अल्लाह की और रसूल की एतात करो और अगर तुमने अल्लाह और रसूल की एतात से चेहरा फिराया तो याद रखो अल्लाह काफिरों को मोहब्बत नहीं करता है काफिरों को पसंद नहीं करता है काफिरों से उल्फत नहीं है उसको तो एक चीज़ ये बताई कि अगर अल्लाह और रसूल से मुंह फेरा तो वो काफिर हो जाता है और अल्लाह के रसूल की पैरवी किया तो महबूब खुदा हो जाता है तो अब ये बहस नहीं है कि कब ईमान ले आया और कैसे ईमान ले आया बहस ये है कि मुंह फेराया कि नहीं फेराया अगर रसूल से मुंह फेराया तो काफिर हो गया और अगर पैरवी करता रहा तो मरते दम तक मुसलमान रहा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद नार ये होना चाहिए इस पर तोलेंगे आप देखें कोई है ऐसा हम आप सबका इस्लाम तोलेगा मगर बस ये है कि हर एक की अपनी अपनी जो वसात ईमानी है उसी एतबार से तुलेगा और वसीला करार दिया इस पैमाने के समझने के लिए नबी को ये नबी वसीला है आप देखें वसीले नबी पर भी बहस है कि गैरों को वसीला करार देने में अख्तलाफ है मगर नबी में तो इख्लाफ नहीं होना चाहिए था कुरान तो पैगाम दे रहा है कि बगैर इनके हम तक नहीं पहुंच सकते हो उसके बाद भी ये थोड़ी सी किताबें जो लिखते हैं उसको पढ़ पढ़ करके इसके ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं साहब इनको क्या हैसियत हासिल है इनको क्यों अज़मत हासिल है इनसे क्या है हमको अल्लाह से डायरेक्ट जो है मिल जाएगा अल्लाह ये कहता है कि जब तक तुम्हारा इस्तफार भी काबिल कबूल नहीं है जब तक कि ये शरीक न हो साथ में, ये अगर आएगा तभी इस्तफार भी तुम्हारा कबूल किया जाएगा अल्लाह तो ये वसीला दे रहा है मोहब्बत का पैमाना भी यही है कि जब तक कि इसकी पैरवी ना करोगे उस वक्त तक हमसे तुम्हारी उल्फत का इधार नहीं होगा और जब तक कि मैं तुमको महबूब ना हो जाऊं मैं तुमसे मोहब्बत ना करूंगा, और जब तक मैं तुमसे मोहब्बत ना करूंगा तुम्हारे गुनाह बख्शे ना जाएंगे गुनाह के बख्शिश का जरिया क्या है यही ना कि इसकी पैरवी करो तुम तो इसी आयत के अंदर है ना कि फिर यकुम दोनों बकुम तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा जब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा तो गुनाह भी तुम्हारे माफ़ कर देगा और ये जरिया करार दिया उसने रसूल को तो अब रसूल के ज़रिए से अल्लाह की इबादत भी होगी रसूल के जरिए से आपके गुनाह भी माफ़ होंगे आप अपने गुनाह भी माफ़ कराने में मोहताज रसूल के और अपनी इबादत में भी मोहताज रसूल के बस जब तक रसूल ना आए बीच में आप डायरेक्ट खुदा से नहीं मिल सकते आप क्यों ये सब कर रहे हैं इसलिए कि वास्ते का इनकार हो जाए ताकि वास्ता बीच में ना आए अगर वास्ते की बात आएगी रसूल की बुनियाद रख जाएगी तो रसूल जब हटेंगे यहाँ से तो हम किसको वसीला करार दें ये बहस खड़ी होगी अब ये बहस ना आए इसलिए रसूल ही को भी इससे निकाल दो अल्लाह ने कहा निकाल नहीं सकते हो वरना तुम्हारी न मोहब्बत समझ में आएगी न तुम्हारी इबादत समझ में आएगी न तुम्हारी मगफरत समझ में आएगी अब जो रसूल ही के बीच में वसीले के कायल ना हो वो क्या मुंह लेके जाएंगे उस दिन कयामत के दिन कैसे खड़े होंगे कि हमारे भी गुना बख्श दिए जाए किस तरह से शफात कबूल करेंगे नबी चूंकि इनकार यहां था तो वहां कैसे ताल्लुकात बनाएंगे किस तरह से नजदीक जाएंगे लिहाजा आप देखें आयात पर आयात अल्लाह ने जगह जगह पर एक सलवा पाद मोहम्मद वाले फरमाया कि कोई रसूल ऐसा नहीं है कि जिसे हमने ना भेजा हो

यानी गुनाह करें गुनाह भी जुल्म है एक बात देखें कुरान वाजह कर रहा है कि लो जम जो अपने ऊपर जुल्म करें अपने नफ्सों पर और उसके बाद इस्तिगफार करें तो कोई साहिब अक्ल अपने नफ्स पर जुल्म तो नहीं करता ना तो ज़्यादातर दूसरों ही पे जुल्म होता है अपना हक जल्दी से कोई थोड़ी देता है अगर जुल्म के मानी हक को इंसाफ ही के ख़िलाफ़ है तो फिर है कि कोई अपने आप को जुल्म में करार नहीं देता इसके मानी है कि जुल्म के लफ्ज़ के आम मानी हैं एक माना है कि हक को इंसाफ़ के ख़िलाफ़ खड़ा होना और एक माना है कि जब अपने नफ़ पर जुल्म कर रहा हो तो गुनाह सरजद होना यानी माफियत करना अल्लाह की नाफरमानी करना जब ना फरमानी किया अल्लाह की तो इसे जुल्म क्यों कहा इसलिए कहा कि हक को इंसाफ ये था कि अल्लाह की फरमा बरदारी करता चूंकि अल्लाह की फरमा बरदारी के खिलाफ इसने कदम उठाया लिहाजा हक़ के खिलाफ कदम उठाया जो चीज़ हक़ के खिलाफ हो वो जुल्म कहलाती है लिहाजा ये जुल्म करार पाया और दूसरी वजह भी यह है कि अपने ऊपर जुल्म क्या किया भाई नाफरमानी किया तो जुल्म क्या है फर्ज कीजिए मज़ेदार गुनाह जान दिया तो उसका तो जौक हासिल किया उसने जायका लिया तो उसमें कौन सा जुल्म रहा क्या भाई यहाँ जुल्म नजर नहीं आता है लेकिन वहाँ जुल्म नजर आएगा चाहिए ये था कि अपने आप को अजाब दो से महफूज रखता लेकिन अपने नफ्स को खुद ब खुद असाब दो से गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी करना खिलाफ हक़ के नफ्स था लिहाजा खड़ा हुआ जब भी खिलाफ हक़ के नफ्स लिहाजा जालिम बन गया लिहाजा इसलिए अल्लाह ने कहा कि लो मसा हम अगर ये अपने नफ्सों पर ज़ुल्म करें तो इतनी छूट हम देते हैं कि ये जुल्म करने वाले जो हैं अगर गुनाह कर रहे हैं तब भी जुल्म और लोगों के खिलाफ ना इंसाफी कर रहे हैं तब भी जुल्म, तो इतना तो वाज हो गया कि जो भी गुनहगार है वो जालिम है अब उसके बाद खुदा ने कहा है जब इब्राहिम ने कहा था कि हम मेरी जरूरीत में भी इमामत चलेगी कि नहीं तो कहा लायम इस ओहदे को मेरे कोई जालिम नहीं पा सकता है तब अब यहाँ जो जालिम कहा है तो खालिस ना इंसाफ नहीं मुराद है बल्कि जालिम मुतलक, चाहे वो जुल्म किसी पर किया हो चाहे जुल्म अपने नफ्स पर किया हो किसी भी तरीके से ओहदे इमामत का हिस्सेदार नहीं है तो इसके मानी है कि इमामत वही पाएगा जो गुनाहगार ना हो यानी नफ्स उसका कहीं से भी जुल्म से मुबतला ना हो जिसका नफ्स जुल्म से मुबला ना हो वही इंसान जो है वो ओहदे का मालिक होगा इमामत के उसका सूरह आराफ में कहता है वल्लना वो लोग जो ईमान ले आए ये कौन है कि जिनका नफ्स कभी जुल्म से नजदीक नहीं हुआ बिजुल्म कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद उनका नफ्स एक लम्हे के लिए जुल्म से मुब्तला नहीं हुआ उलायक आमन इन्हीं लोगों के लिए अमन इमामत है वह यही लोग जो हैं हिदायत याफ्ता हैं तो कुरान दोनों की तारफ़ करा रहा है कि जो िम है वो इमामत नहीं पा सकता और जो िम नहीं है वो कौन है जहाँ एक लम्हे के लिए भी जुल्म न आया हो वही इमामत पाएगा और जर्रा बराबर वो हिदायत से फिरा भी नहीं है एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद अब साफ हुई बात कि कुछ ऐसे होंगे कि जो जालिम होंगे कुछ ऐसे होंगे कि जो जालिम नहीं होंगे हती नफ्स भी उनका मुलविसम नहीं होगा यानी वो जर्रा बराबर गुनाह भी नहीं करेंगे जो गुनहगार जालिम होंगे अपने नफ़ पर म किए होंगे वो बहरहाल इसतफार के हाजतमंद हैं अगर इसतफफार ना करेंगे तो गुनाह उनके बख्शे ना जाएंगे तो जिनके नफ्स मुब्तला व गुनाह हैं, वो बहरहाल मोहताज इस्तफार हैं और जिनके व गुनाह से मुब्तला नहीं है वो मोहताज इस्तगफार नहीं है तो दो सूरत हुई ना एक वो है जो मोहताज इस्तगफार है और एक वो है जो मोहताज इस्तगफार नहीं है तो जो इस्तफार का मोहताज है कि उसके गुनाह बख्शे जाएं सादे लफ्जों में कहूं कि एक वो है जो गुनाह बख्शवाने का मोहताज है और एक वो है कि जो गुनाह बख्शने वाला है तो दो लफ्जे हो गई ना एक वो है जो गुनाह बख्शने वाला है गुनाह बख्शने वाला कभी भी गुनहगार नहीं होता तो करें आप जो गुनहगार नहीं होगा वही गुनाह बख्श सकता है एक साल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद इसीलिए शर्त है शरात अहकाम इलाही में से एक शर्त यह है कि हद वही जारी कर सकता है कि जो खुद गुनहगार ना हो गुनाह कबीरा कम से कम चूँकि हम सब गैर मासूम हैं मासूम तो है नहीं लेकिन ये ज़रूर है कि गुनाह है सगीरा सरजद होता है मगर गुनाह कबीरा उससे सरजद ना हुआ हो अ समझ में आया आपको क्यों शर्त लगाई जाती है और क्यों ये जो हैं आप बराबर सुनते रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं पता होता कि अलहमदल फकी क्या है फकी को विलायत क्यों हासिल है और फिर उस फकी को जो विलायत हासिल है उसकी शर्त क्या है उसकी शर्त पहली ये है कि मुखाल अपनी ख्वाहिश का मुखालिफ हो क्योंकि अपनी ख्वाहिशा नफसानी की मुखालफत करेगा तो अपने नफ्स को मुबला ब जुल्ल में गुनाह नहीं करेगा गुनाह कबीरा से भरी होगा तब ये मुतवल्ली है वलायत रखता है तमाम दुनिया के लोगों पर किस बात की वलायत रखता है अहकाम के जारी करने का आप वो देखेगा कि चोर हो गया अपनी उम्मत में कोई चोरी करके आ गया अब हाथ काटने हैं तो कौन काटेगा वही काटे कि जो कभी भी किसी किस्म की चोरी ना किया हुआ हो नहीं समझे आप मेरी बात को किसी किस्म की चोरी ना किया हो चोरी की भी कई किस्में होती हैं एक चोरी है किसी के माल को चुरा लेना और एक चोरी है किसी की फिक्र को चुरा लेना एक चोरी है किसी के एहतक को चुरा लेना ये सारी चोरियां हैं किसी तरीके की गंदगी ऐसी उसके अंदर ना पाई जाती हो मुखालिफन हवा लिहाजा मुती हो अपने अल्लाह के हुक्म का और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की मुखालवत करता हो लिहाजा उसको विलायत हासिल है क्यों इसलिए कि जानबूझ के गुना नहीं करता है अब वही हद जारी कर सकता है कि जिससे गुनाह उस तरह का सरजद नहीं हुआ है कबीरा तो इसको उतनी विलायत मिल गई अब आप सोचे इसीलिए अब्दुल्ला जो बेटे थे खलीफा सानी के एक मकाम पर उन पर हद जारी होनी हुई वो भी उनकी खिलाफत में बाप के तो उन्होंने कहा कि आओ तुम अब मैं हद जारी करूँगा तो उन्होंने कहा वही जारी कर सकता है जो खुद इसमें मुब्तला न रहा हो तो तारीखों ने लिखा कि अली बुलाए गए कि आप ही तशरीफ ले आइए और मौला ने उनके ऊपर हद जारी की सल बात मोहम्मद वालों यहां तक आपने सुन लिया तो कम से कम हमें कहीं और जाने के लिए जरूरत है ही नहीं कि हम सबूत फराहम करें इस्लाम से पहले जो जुल्म जुल्म था वो कुफर वो अलग है इस्लाम के बाद का जुल्म किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमें अल्लाह अकबर भाई बेटा ही गवाही दे रहा है कि वही जो है हमारे ऊपर हद जारी कर सकता है अब जो भी मुफ्तला बस जुल्म है होता उदय मोहम्मद नहीं ले सकता है सलाबात मोहम्मद वाले मोहम्मद तो अमल खुद भी ऐसा हो कि खुद मुबला ना हो जाए मुश्किल में लिहाजा फसहम फेर वरह रसूल अगर तुम जुल्म कर लिए अगर ये लोग ये उम्मत वाले अपने नफ्स पर तो चाहिए कि अल्लाह का इस्तार करें और फिर उनके लिए अगर रसूल इसतफ़ार करे तो लू अल्लाह तो तुम पाओगे कि अल्लाह फौरन गुनाहों को बख्श देगा अब शान नजूल मुख्तलिफ लिखी जाती है लेकिन असह जो है वह ये लिखी जाती है कि एक सहाबी था गुनाह में मुब्तला हुआ और शदीद गुनाह किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि भाई इस गुनाह के ऊपर हद जारी होनी चाहिए पैगम्बर ने कहा जहाँ पकड़ में आए ले आओ इसको अब वो भी परेशान छिपता फिरा या अगर मैं पकड़ में आ गया तो ख़त्म हो जाऊँगा लहजा छिपता फिरा एक दिन उसने देखा कि हसनैन गुम हो गए हैं और मिल नहीं पा रहे हैं किसी को रसूल भी निकले हैं हजरत जहरा भी निकली हैं अमीर अलमोमन भी हैं अब भी ढूंढ रहे हैं मदीने में अल्लाह अकबर बहुत सी मसलत हैं मसलहतें ऐसी होती हैं खुदा की कि उसकी वजह से ये काम होता है पर ना वो न जिसका शागिर्द कुरान की आयतों से रस्सियां ढूंढ ले ले वो नबी अपने हसनैन को नहीं ढूंढ पा रहा है अब गुम हो गए नहीं मिल रहे तलाश हो रही है ये गुनहगार की नजर पड़ी कि कहीं पे हैं। दोनों को उठा के कंधे पे रखा और मुस्कुराता हुआ रसूल अल्लाह के पास पहुंचा और उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं लेकिन इन दोनों के वास्तों से मुझे माफ कर दे दोनों के वास्तों से मुझे माफ कर दे रसूल अल्लाह भी बहुत ज्यादा मुताजिब हुए यह अब क्या करें उधर हुक्म यह है कि हद जा रही हो इधर मांग भी रहा है इस्तगफार कर रहा है मांग रहा है इन दोनों के वसीले से अब मैं क्या करूं और बोल सकता नहीं कुछ अपने से मा यनते को अनिल हवा इन हवा इल्ला वही उनुहा तो उसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि अगर गुनहकार गुनाह कर ले और इस्तेगफार करे और फिर रसूल भी शामिल हो जाए तो फिर उसको तुम देखोगे खुदा बहुत ज्यादा माफ करने वाला नजर आएगा पढ़े सलाम्मद वाले मोहम्मद अब आप बताइए मरना तो बाद में होगा ये जिंदगी है कि नहीं है ए, मरना तो बाद में होगा ना ये तो जिंदगी है ना अभी बचपना है देख रहे हैं आप एक वो शख्स जो इंतहाए गुनाह में है और हद जारी होने वाली है उसने हसनैन का पनाह लिया और हयात में पनाह लेके के गुनाह के लिए पेश किया भी दो चार हैरत हैं कि हम क्या करें बख्शे या ना बख्शे तो अल्लाह अपना हुक्म सुनाता है कि मेरा हुक्म यह है कि हसनैन के वास्ते से आया है तो मैं रही तो रहीम हूं करें आप हाँ। अब आप देखें जिसकी हुकूमत यहाँ की मुख्तसर है और वहाँ की हुकूमत को कहता है कि हमने वहाँ मुल कबीरा मुल के कबीर अदा किया है जब मुल्क सगीर में हसन गुना बख्शवा दे तो मुल्क कबीर में हतन के वादे से क्यों नहीं गुना बख्शा जाएगा आप सोचें और गौर करें कि ये वो मंजिल है कि जहां पर वसीले की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी सहाबी की तमाम तर अजमत के बावजूद हद के जारी करने का काबिल सहाबी इसके मानिए हैं कि सारे सहाबी ऐसे नहीं है कि एक ही रदीब में रखे जाए कुछ हैं जो हद जारी करने के काबिल हैं और कुछ ऐसे हैं जो उनमें से बेचारे जुदा हो जाएंगे लेकिन आल ही ऐसे हैं कि यही हद भी जारी कर सकते हैं यही हद को उठवा भी सकते हैं सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या किया है वरना हो जाएगा। गुनाह तक माफ उस वक्त तक जब तक कि नबी को वास्ता न करार दो कुरान तालीम भी दे रहा है अमल भी करवा दिया और सहाबी ही का था किसी गैर सहाबी का तो नहीं था खुद सहाबी मोहताज हुआ अपने गुनाह को बख्शवाने का हसन इनका वास्ता लिया तो जो करें आप सहाबी भी सहाबी का बेटा भी है ना तो दोनों मोहताज हो गए बस मालूम ये हुआ कि सिवाय इन आले मोहम्मद के कोई नहीं है जो तमाम तर मुसलमान जहान के गुनाहों की बख्शिश का जरिया करार पाए ये वो जाते हैं इसीलिए पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद भी बहुत से सेलमा इमाम जोहरी जो बहुत मारूफ इमाम हैं सुन्नत के वो भी जब उनको जरूरत पड़ती थी तो इमाम सज्जाद सलाम के पास आते थे तारीखें लिखती हैं इमाम के पास आ करके वसलत अख्तियार करते थे और इमाम से कहते थे आप मेरे लिए दो आफर और खड़े रहते थे तो इमाम ने फरमाया बारे इलाहा जो तूने मुझे इज्जत जलाल बेटा आया है मेरे दर पर मुझे वास्ता करार दे करके अपनी हाजत लेना चाहता है तो मबूत तू इसकी हाजत को पूरा कर दे कम से कम इस बात का ऐलान सदसाजदीन ने कर दिया ना कि असहाब में और औद असहाब में कोई नहीं है जिसको ये वजाहत हासिल हो जो आले मोहम्मद के आल में हासिल है सल मोहम्मद वाले मोहम्मद रसूल के हर फरमान पर अमल करने की कोशिश करो ताकि उसी एतबार से तुम उस मंजिलत तक पहुँचो कि तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत खुदा आ जाए और उसी एतबार से मोहब्बत खुदा ऐसा जागुजी हो कि उसकी उल्फत का तुमको जर्रा बराबर शिम्मा भी अगर आ जाए तो उससे फिर वो भी अपनी उल्फत तुम तक पहुँचाए ताकि सबब हो गुनाह बख्शे जाएं, गुनाह ख़त्म किए जाएं, गुनाह तुम्हारे दूर हो जाए वास्ता लिया लोगों ने जमाने गुजरे लोगों के आखिर दम तक कोई आसानी तारीख उठाइए आप अव्वल से लेके आखिर तक हर इमाम के दौर में जब भी किसी को कोई मुश्किल रूहानी होती थी तो दौड़ कर इन्हीं अम्मा के पास आते थे तो इसलिए जानते थे कि वास्ता बनने के काबिल यही है लिहाजा वास्ता बनाते थे आखिर सलीका जो था दीन का वो सलीका सीखा और सीख करके इस्तेमाल किया अब नबी का हर फरमान जो है वो सीरत नबी पर इतबा करना यानी अमल करना हर फरमान पर जिसे कहा कि इस पर अमल करो अमल करें जिसे मना कर दिया कि इसको ना करो उसे ना कर और अल्लाह ने यहां तक भी कहा है कि नबी के फैसले के बाद किसी को हक नहीं है कि उस फैसले को खत्म करे नबी का फैसला अगर हो जाए तो नबी के फैसले के बाद ये सूरह अहज़ाब की आयत है माकाना लेमिन वाला मोमिन न किसी मोमिन और मोमिना को माकाना काना ले मोमिन व अमरन जब अल्लाह किसी अमर को फैसला कर दे इजाकद रसूल हो अमरन अगर अल्लाह रसूल किसी अमर का फैसला कर दे तो माकाना काना ले मोमिन वाले मोमिन किसी मोमिन और मोमिना को क्या नहीं है खियारा मिन अमरहिम उनके ही मामलात में अख्तियार नहीं है आया, 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 तो जो करें, ये एक एक लफ्ज मैंने आपके सामने रखा है किसी मोमिन मोमिना को अगर अल्लाह रसूल उन्हीं के मामलात में अपना फैसला जारी कर दे तो मोमिन और मोमिना को अख्तियार नहीं है फिर फिर उसी को मानना है और अगर उसने नहीं माना जब है कुराना ये फकत जला मुबीना तो खुला हुआ गुमराह है वजह करें आप यानी फैसला रसालत मानना है जो कह दिया उसे मानना है जो रोक दिया उस पर रुक जाना है यही है ना तो हर एक को मानना है कोई हक को अख्तियार नहीं रखता दूसरी जगह पर भी इसी बात को कहा है सूरह निशा में वहां पर भी यही फरमाया वला वे का ला जो हक के मौका फी मा शजरा बई न हो पैगम्भर खुदा की कसम लाइ उनूना ये ईमान नहीं रखते वो शख्स जो आपको अपने झगड़ों में भी फैसला करने वाला करार नहीं देते और उसके बाद जब फैसला करार दे दिया और आपने फैसला सुना दिया तो इनको चाहिए कि ये तस्लीम कर ले अगर तस्लीम नहीं करते तो ईमान नहीं रखते यानी हुक्म रसूल के बाद आपके आपसी झगड़े में रसूल अगर हुक्म कर दे तो उसके बाद आप अगर उसे ना माने तो आप मोमिन नहीं हैं तो जो करें आप आपके मामले में मामला आपका है दिन का मामला नहीं है दिन का मामला नहीं आज कल मामला एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाला काजी क्यों ढूंढा जाता है काज़ी फैसला करने वाले को कहते हैं काजी इसलिए ढूंढते हैं कि भाई अपने से बेहतर है और बहरहाल काजी के सिफ़ात में से ये हैं कि वो कभी भी हक़ के ख़िलाफ़ फतवा ना दे और हक़ के ख़िलाफ़ ना बोले हम काजी अब यहाँ अदालत गहों में क्या होता है उससे बहस नहीं जो काजी के सिम्टम्स इस्लाम के अंदर हैं वो ये है कि कभी भी हक़ के ख़िलाफ़ फतवा ना दे और कोई चीज़ जब मकान फतवा में ले आए और फैसला कर रहा हो तो बग़ैर इस्तनाद के यानी मासूम के बयान को ज़ाहिर सामने रखे हुए बग़ैर फैसला नहीं कर सकता है तो जब एक काजी के लिए सिफत बनाई इस्लाम ने तो सबसे ज़्यादा बड़ा काजी जो है जिसे अल्लाह ने मुन किया है अब तो वो करेगा ना अमल करके दिखाएगा ना यानी रसूल अल्लाह तो वो फैसला करेंगे आपके मामलात में जब फैसला हो जाए तो फैसले के बाद आपको मानना है तो जो करें आप क्यों मानना है इसलिए कि नबी गैर हक का फैसला नहीं करेगा मासूम है क्यों मासूम है इनकुन तुम तोहबून अल्लाह फे इसलिए कि इसकी पैरवी जब करार दिया तो अल्लाह ने यही बताया ना कि इसकी पैरवी मेरी पैरवी है और मैं बहरहाल हक के खिलाफ नहीं बोलता हूँ तो जब मैं नहीं बोलता हूँ तो ये भी नहीं बोलता है तो अब ये हक के खिलाफ नहीं बोलेगा ना तुम्हारे मामलात में मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ रसूल के पास आए अब रसूल ने या तो जाहिर है कि फैसले में ये याद रखिए एक तरफ जाएगा बड़ी मुसीबत है आज की दुनिया का मैार ये है कि अगर हमारे मुताबिक है तो ये हक है अगर आपके खिलाफ हो गया तो ये बातिल हो गया वो तरफ कहेगा कि अगर हमारे मुताबिक है तो हक है ये तरफ कहेगा हमारे मुताबिक है तो हक है अब हक का हक नहीं रह गया हक़ का मैार हमारे तरफ का रह गया हमारी तरफ है तो ये हक है उनकी तरफ है वो कह रहे हैं रहे हमारी तरफ है तो हक़ है आपकी नहीं मानने को तैयार हैं? यानी आप हक के नुमाइंदा नहीं हैं यही तो हुआ ना आप हक नहीं बोलेंगे आप तरफ ही में बोलेंगे जब पहले ही तो ये तय करके आ गए आप कि ये तरफ ही में बोलने वाला है तो बात तस्लीम कैसे करेंगे आप हक तो उसी वक्त होगा कि जब आपके जहन खुले हों कि ना ये मेरी तरफ बोलेगा ना इसकी तरफ बोलेगा जो हक है वो बोलेगा अरे जनाब आप कुरान भी सामने रख दीजिए तब भी यहाँ के लोग जो हैं मानने वाले नहीं हैं ये कौम ही ऐसी पैदा की अल्लाह ने इनको ज़र्रा बराबर इस बात का कोई एतबार नहीं दिन भर कसम खाते हैं कुरान पे हाथ रख रख करके दिन भर कसम खाते हैं ये चार किताबों पे हाथ रख करके कहाँ मानते हैं कुछ भी नहीं मानते हैं भाई जो तहरीफ हो गए उनकी तो तावील हो सकती है कि असल किताब ही नहीं रही जो असल मौजूद है उस पर वाले जब नहीं मान रहे हैं तो वालों के मानने की क्या बात है सिर्फ ये है कि अपने फ़ैसलों में अपने झगड़ों में इंसान को चाहिए कि अगर नबी फैसला कर रहा और उसके बाद मासूम दूसरा उसकी जहां पर फैसला कर रहा है तो मासूम तो बहरहाल हक़ ही के मुताबिक बयान करेगा लिहाजा हक़ को मानना चाहिए और फिर वही बात आई कि विलायत जिसको हासिल है उस आलिम की बात मानो मगर शरात के साथ कौन सा आलिम की मुखाल मोती मौला ताविल ये देखो कि वाकया हक हाँ पर है या नहीं है अब यूं तो आप कोई ना कोई लिम निकाल ही सकते हैं चूंकि इंसान जो है मासूम के यहाँ तो आपकी जबान जो मासूम मान लिए हैं इसलिए रुकी रह जाती है आकर के कि मासूम है वरना क्या अली को छोड़ने वाले हैं आप आप ना अली को छोड़ने वाले हैं ना हसन को छोड़ने वाले ना रसूल को छोड़ने वाले अगर मासूम न होते आपके अकीदे में तो आप कहीं उनसे ज्यादा निकाले होते सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बात हो रही है ये फितरी बात है आप समझें कि ये मुश्किल थी अगर ये मुश्किल ना होती तो अल्लाह को मासूम बनाने की जरूरत नहीं थी जान जहा था कि फितरत में है ये कभी किसी एक को नहीं मानेंगे ये सब एक दूसरे पे शक रखते रहेंगे अब इस वक्त पलट गए अब उस वक्त पलट गए हमारा साथ नहीं दिया उनका साथ दे दिया उनका साथ वो कह ले मेरा नहीं दिया इनका दे दिया भाई किसी का को कोई साथ हक का साथ ढूंढो ये हक कहाँ है हक के साथ रहो इसलिए पैमाना बनाया उसने इसलिए इस मत की जरूरत हुई कि तमाम उम्मत के दरमियान कुछ ऐसे मासूम हों कि जिनके ऊपर ये भी उंगली ना उठा सकें जिनके ऊपर वो भी उंगली ना उठा सकें ये उंगली ना उठा सके तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर अगर सामने इंसान खड़ा है और उससे कुछ नहीं सरजट हुआ है तो क्या आप उठा लेंगे क्या आप कहेंगे अब मगर ये कि घर में बैठ करके जो बेचारा नहीं देखा उनको उसके पास जाके कान में कहा मैंने देखा था कि शराब पी रहे थे बताए उसके तो, तो शक पैदा हो जाएगा हो सकता है पिया हो हो सकता है ना पिया हो इसे कहते हैं इल्जाम इल्जाम और तो मासूम पर इल्जाम तो लगा सकते हो तुम मासूम पर इतेह तो लगा सकते हो लेकिन सामने कैरेक्टर अगर रहे तो कोई खामी निकाल नहीं सकते अब इसी का जवाब दिया जाता है कि अगर आप इल्जाम लगाएं भी तो इतना साफ है इल्ज़ाम लगता नहीं है बहुतान लगता नहीं है इतना किरदार साफ है कि खुद जहन जो है वो जवाब दे देता है इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा है हमको शक भी नहीं इनके बारे में ये कैसे लेके आए ये मरदूद हैं ये मशकूक हैं तो ये कैफियतें पैदा होती है समाज में हुई इल्जाम लगाया इफ्तरा किया बोतान बांधा मगर वो बहुतान जो है फिर भी खुल के सामने आया उन्हीं इल्ज़ामों में से ये इल्ज़ाम है कि इमाम हसन ने तो शादियाँ कर ली अरे भाई आपको मुँह है आपके पास कलम है जितने चाहिए उतने आप इसके अंदर कलम से लिख दीजिए कि ये भी थी और ये भी थी और ये भी थी और ये भी थी और ये भी थी आखिर में ये भी लिख दीजिए कि सुनते हैं लीजिए अब आप यानी इसका कोई भरोसा भी नहीं है जितनी रवायात आपने लिखी आखिर में लिख दिया सुनते हैं तो सुनते हैं क्या माने यानी सब गलत है मालूम नहीं सुनते हैं देखा आपने नहीं देखा वो खुद ही बताया है, और है।, है हक और बातिल में कितना फर्क है अब सुनते हैं चार अंगुल में सुन रहे हैं खाली सुनने पर लिख मारा अब जितने सुनने पर अमल कर रहे हैं सचो कह रहे वो जो है शक में मुब्तला हो गए और जो हक पर अमल कर रहे थे वो यकीन पर है मासूम कभी ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता जिसमें उसके ऊपर इल्जाम आ जाए सलामत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद लिहाजा किसी भी चीज में जरूरत है कि मासूम हो वो मासूम अगर फैसला करेगा तभी जो है वो फैसला भरपूर तरीके से रह पाएगा और उसी पर जो है फ़ैसले पर कायम रह सकते हैं इसीलिए ज़रूरत है हुकूमत आदल की लादा हुकूमत अदालत जो आती है वो सिर्फ इस बुनियाद पर है कि दुनिया के अख्तलाफात का फैसला हक़ पर हो जब तमाम अम्बिया को अल्लाह ने भेजा तो इसी हुक्म के साथ ले साथूमा नास बिल़ हक ताकि लोगों के दरमियान हक़ को कायम करे तो हक का कयाम क्यों करे इसलिए कि बातिल सामने आएगा फसाद फैलेगा लिहाजा हक कायम हो मगर अव्वल दिन से आज तक हक का क्याम जैसे हक है नहीं हो सका इसलिए तो सारे अम्बिया इंतजार में हैं। भाई हमने सारी कोशिश की मगर हक कायम नहीं हो सका अल्लाह भी इंतजार में है कि कब ये उम्मत जो है सुधरेगी कि हक कायम हो जाए अल्लाह भी मुंतजिर अम्बिया भी मुंतजिर इंसानियत भी मुंतजिर है जिसको हक नहीं मिला वो इंसान भी मुंतजर है कि कब हक मिलेगा तो जवाब दिया एक इसीलिए रख रखा है कि जो हक कायम करेगा तो कोई ना होगा जो ये कहेगा कि मुझे मेरा हक नहीं मिला लादा इस वजह से उसने रख रखा है बस नतीजा ये निकला कि मासूम की जरूरत है अब उसने फरमाया लकत कानकुम फी रसूल उस वत हसना तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की सीरत अमल है क्यों इसलिए कि इसका किया हुआ मेरा किया हुआ है इसका कहा हुआ मेरा कहा हुआ है अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है मेरी तो इसकी पैरवी करो अब उसके बाद हुक्म लगाया माँ काना ले मोमिन वाला मोमिन किसी मोमिन और मोमिना को हक नहीं है दर्रा बराबर इदा कद अल्ला अगर अल्लाह और रसूल उसका फैसला कर दे अमरन किसी चीज में भी ख़ियारा तो इनको जरा बराबर अख्तियार नहीं है उसे मान लेना है तो जो किया आपने अगर अल्लाह और रसूल का फैसला सरसद हो गया तो मान लेना है अख्तियार नहीं है किसी को जरा बराबर कुछ बोलने का कहते हैं तमाम लोगों ने बहुत कुछ लिखा लेकिन अशरफ अली थानवी ने अपनी कुरान के तर्जुमे के हाशिए पर लिखा इस आयत के नजूल की जरूरत क्या पड़ी यह जरूरत ये पड़ी कि एक यहूदी और एक मुसलमान में झगड़ा हुआ उन्होंने कहा फैसला होना चाहिए कहा किससे फैसला करें उन्होंने कहा जो खलीफा अव्वल थे उनके पास चलो अभी रसूल मौजूद हैं रसूल के ज़माने की बात है उनके पास गए उन्होंने फैसला किया तो उसने कहा एक गलत फ़ैसला किया है उसके बाद खरीफ दोबूम के पास गए कि आप मुसलमान हैं मुसलमान को हक़ है कि आकर के फैसला करें आप फैसला कीजिए क्योंकि यहूदी ने पूछा था उससे कि किसका फैसला मानोगे उन्होंने कहा कि मुसलमान का मानोगे कि यहूदी का उधर मुसलमान से उनका मुसलमान का मानूंगा अब मुसलमान के पास वो तो चला गया कहा मैं तो दोनों का मान लूंगा चलो वहाँ गए पहले अव्वल ने फैसला किया नहीं माना कहा ये मेरे खिलाफ बोले दो वो ने फैसला किया नहीं माना कहा ये भी मेरे खिलाफ बोले उसके बाद एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद एक सलवा और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं ये तरतीब हमने बदल दी असली ये था कि पहले रसूल के पास गए और रसूल के पास जाने के बाद जो है वो फैसला चाह तो रसूल ने फैसला दिया जब रसूल ने फैसला दिया तो फैसला हो गया तो ये बाहर निकला उसने कहा है मेरे ख़िलाफ़ है चूंकि मुसलमान लिहाजा मैं नहीं मानता आप कहाँ चलें किसके पास चलें कहा तो दूसरे मुसलमान के पास जाते हैं दो तो खलीफे अव्वल के पास उस वक़्त वो खलीफा नहीं थे हाँ साहब ही थे तो उनसे फैसला मांगा उनको नहीं बताया कि क्या है उन्हों फैसला तो उन्होंने फैसला किया उसी यहूदी के हक में इनके खिलाफ हो गए तो भी नहीं माना फिर खलीफा दबूम के पास गए उन्होंने फैसला किया उसी यहूदी के हक़ में इनके खिलाफ तो फिर नहीं माना जब नहीं माना तो उस यहूदी ने कहा कि सुनो हम रसूल के पास ले गए और उन्होंने फैसला किया इन्होंने नहीं माना उसके बाद उनके पास ले गए उन्होंने भी यही फैसला किया इन्होंने नहीं माना अब तुम्हारे पास ले आए हैं और उन्होंने ये फैसला आपने भी यही किया ये नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने तयश में आके तलवार निकाल ली उन्होंने कहा तुमने क्यों नहीं माना जब रसूल ने फैसला कर दिया तुम तो मुसलमान हो तुम्हें तो मानना चाहिए था मगर तुमने ये आयत नहीं पढ़ी क़ुरान में ये आयत मौजूद है कि मा कान वाला मोमिन किसी मोमिन और मोमिना को हक़ नहीं है अगर किसी अम्र में अल्लाह और रसूल फ़ैसला कर दे तो उसे कोई अख्तियार नहीं है तुमने आयत क़ुरान के ख़िलाफ़ फैसला किया है रसूल ने फैसला जब कर दिया तो तुम्हें क्या हक था फ़ैसला करने का ख़िलाफ़ तुमको मान लेना चाहिए था तुम्हें यकीन रख लेना चाहिए था कि यह हक है तुमने क्यों नहीं माना तलवार निकाल लिया और काम तुम्हारी गर्दन काट देंगे इसलिए कि तुम अल्लाह और रसूल के फैसले को नहीं माने समझ में आ गई बात ना ये पूरा वाकया अशरफ अली साहब ने अपनी किताब में लिखा कि देखिए अदालत की शिद्दत और ईमान और यकीन रसालत किस दर्जे पर है कि एक मोमिन मुसलमान का फैसला रसूल ने किया था और इस मुसलमान ने नहीं माना तो उन्होंने आयत से इस्तदलाल किया कि तुझे क्या हक है इस फैसला के न मानने का और इसके खिलाफ फैसला करने का इसलिए तलवार निकाल ली तो अब हमारा कहना यह है कि आपकी रवायत बड़ी अच्छी है इसने तो बड़ा हिसाब व किताब से फैसला कर दिया अब फैसले की जरूरत ही नहीं है ये खुद इन्होंने एतराफ कर लिया कि अगर अल्लाह और रसूल किसी मामले में फैसला कर दे तो उसके खिलाफ किसी को हक नहीं है और अगर खड़ा हो तो तलवार के काबिल है तो अल्लाह अकबर भाई इससे ज्यादा क्या कहा जाए ये कानून तो बन गया ना कि अगर अल्लाह और रसूल कोई फैसला कर दे और ऐसा फैसला जो तुम्हारे लिए हो वलो तुम्हारे हक में हो या न हो तुम्हें कोई हक नहीं है मजब अकेले में फैसला कर दे तो तुम बदल नहीं सकते हो जब दिन दोपहर में फैसला कर दे तो उस वक़्त कौन सा हक है किसी को हक नहीं है अगर अल्लाह और रसूल फैसला कर दे तो इतना तक तो इदराक और मारेफत थी अगर अल्लाह और रसूल के फैसले के खिलाफ कदम उठाया तो हक किसी को नहीं है बल्कि काबिल गर्दन जदनी है जो कानून तो बना दिया ना अब कानून के तहत जो भी नफ जाए उसमें तो कोई अख्तियार है नहीं आपको कानून बन गया तो कानून बन गया अब अगर कोई दिन दोपहर में नबी ने ऐलान कर दिया हो और खुद का नहीं उधर से अल्लाह का भी फैसला हो मेर रब्बे अल्लाह का भी फैसला और नबी का मनकुन तो मौला मौला तो नबी का भी फैसला अल्लाह का भी फैसला अब जो इससे फिर जाए तो जो कर रहे हैं आप खुद का कानून उसके ऊपर लागू हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पकड़ लिया जाएगा अब कयामत तक, जितने फैसले अल्लाह और रसूल के होंगे उन सारे फैसलों में ये हिसाब किताब चलेगा और रसूल का फैसला चलेगा उसके आगे अगर कोई आया तो यही कानून उस पर ढलेगा तो जो करें आप अब आप अंदाज़ा करें कि आज़मत क्या है कुरान कैसे ला रहा है किस तरह से समझा रहा है हमको और आपको उस नबी की आज़मत जिसकी इतनी बुलंद आज़मत है जो फरमाया मलायत हो युसलून अल नबी मनु सलो अलहलमु तब देखे दुरुद पढ़ते हैं आप बराबर क्यों ये नबी की अजमत इतनी बुलंद है कितनी आयात अजमत नबी के लिए है खुदा रहमत नाजिल कर रहा खुदा जिक्र नबी को बुलंद आती मैल में कहा था मैंने वहाँ पर जो घर में हुई थी और एक वो दूसरा तर्ज था वो रफा इन लक्र रख हमने तुम्हारे ज़िक्र को रिफत दे दी और उसके बाद इन नकल आलाओ खुलीम हम आपको खुल के अजीम पर फायज़ कर रहे हैं जिसकी गवाही खुदा दे रहा है जिसके फेल की गारंटी खुदा ले रहा है जिसके अमल की गारंटी खुदा ले रहा है और ऐसा ही नहीं सारे अम्बिया से इनके बारे नेहद लिया और इतना ही नहीं हर किताब में इनका ज़िक्र किया अब उनके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाए जाएंगे वो सब इल्ज़ाम कहलाएंगे इफ्तरा कहलाएंगे बहुतान कहलाएंगे अल्लाह ने इतनी बड़ी अजमत दी है हर नबी ने एतराफ़ किया और मोमिन से भी खिताब किया कि तुम सब जो है वो इसके लिए दुरूद पढ़ो कभी इस पर गौर किया आपने अल्लाह ने कहा इन् मला एक वो युसल्लून आलनबी यानी अल्लाह भी और मलाइका भी युसल्लूना कंटिन्यूटी है इसके अंदर यानी दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह क्या दुरुद पढ़ेगा दुरूद पढ़ने के मानी क्या है दुरूद पढ़ने के मानी यह है कि रहमत नाजिल करने की दुआ करना तो अल्लाह किससे दुआ करेगा कि इनके ऊपर रहमत ना दिल कर? कोई तो और अल्लाह है क्या कि उससे कहेगा कि आए अल्लाह मैं अल्लाह कह रहा हूं तो कोई दूसरा तो नहीं है ना ये कहेगा कि इसके ऊपर रहमत ना दिल कर सिवाय इसके कि अब अपना माना छोड़ बैठा उसमें अब ये गुंजाइश नहीं है तो एक बात समझ में आ गई कि कभी कभी अल्फाज शख्सियत के एतबार से माने बदल देते हैं अब यहां पर गुंजाइश ही नहीं कि आप ये माना करें कि ये भी दुआ कर रहा है सिवाय इसके और कुछ नहीं कि खुद नाजिल कर रहा है है ना रहमत नाजिल कर रहा है अब आप सोचे और गौर करें कि अल्लाह रहमत नाजिल कर रहा है और मलाइका दुआ मांग रहे हैं कि या रहमत नाजिल करता रह। कंटिन्यूटी है ना तो जब से मोहम्मद खल्क हुए मलाइका नहीं थे मोहम्मद जब से खल हुए अल्लाह रहमत नाजिल कर रहा है रहमत है कंटिन्यूटी है फर्क नहीं हुआ रहमत नाजिल हो रही है अब वो रहमत नाजिल कर रहा है अब मलायका है तो मलाइका ने दुआ करना शुरू किया कि रहमत नाजिल कर अरे करते या ना करते तब भी अल्लाह नाजिल तो कर ही रहा था करे मेरी बात पर अगर मलाइका ना कहते कि रहमत ना दिल कर तो क्या अल्लाह मुनकता कर देता वो तो कह रहा है वो करता ही है कर रहा है तो मुसलसल वो रहमत ना दिल कर रहा है अब मलाइका ने क्यों कहा कि ना दिल कर अब उसके बाद मलाइका की सीरत पर अमल करने को तुमसे भी कहा मेरी बात समझो जरा सा एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सबसे पहले दुआए रहमत कायनात में अगर किसी ने की तो वो मलाइका थे ना मलाइका कह रहे हैं तू रहमत नाजिल कर इनके ऊपर अब मोमिन से कह रहा है तुम भी दुआ करो तो ये दुआ किसकी ताबैयत में है मलक के फरिश्तों की ताबैयत में है ना दुआ मांग रहे हैं कम से कम इतना तो मानो कि इंसानों से पहले मलायका जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत पैदा कर ले गए कि उनके लिए दुआ मांग रहे हैं रहमत कर मगर उनके मांगने और ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो तो नाज़िल कर ही रहा है अगर वो बिगड़ जाए मलायका कि हमारी अल्लाह सुनता नहीं आज हम जो है वो दुआ ना मांगेंगे तो क्या अल्लाह मुनक़ा कर देगा नहीं करेगा ना क्योंकि कि उससे पहले से नाजिल कर रहा है और फिर इस तरह मोमिन अगर बिगड़ जाए ये हम नहीं करते हैं तो क्या अल्लाह नाजिल नहीं करेगा वो तो कर ही रहा है तो अल्लाह फायदा क्या है ये मांगे तब भी तू नाजिल करेगा ना मांगे तब भी नाजिल करेगा अल्लाह देखे अब आप सोचें अपने अमल की कीमत की क्या है अच्छा कर रहे हैं आपके आप अमल की क्या कीमत है इसी तरह जैसे ये एक दुरूद आप पढ़े तब भी ना पढ़े तब भी काम चल रहा है करें आप इसी तरह सारे अमल है आप इबादत करें तब भी ना करें तब भी उसके पहचानने वाले मौजूद हैं उसकी मार्फत रखने वाले मौजूद हैं आपके अमल की हैसियत क्या है आपकी औकात क्या है आप किस मकाम पर हैं मांगेंगे तब भी ना मांगे तब भी रहमत नाजिल है तो तैयार ये जहमत है क्यों क्या यही तो बताना है कि मालूम हो जाए कि इसमें कौन मोहम्मद वाला है और कौन मोहम्मद के खिलाफ है समझ में आया ना यानी क्या मतलब पता ये चल जाए कि कौन वफादार है मोहम्मद है तो इसके मानी हो गए कि नौयत अमल यू रखी है ताकि वफादारी और वफादारी समझ में आए जो हुई बात किया नहीं जैसे दुरूद में रखा उसने पहचाने कौन वफादार कौन बेवफादार वैसे ही आले मोहम्मद के जिक्र में भी रखा जो जिक्र करता और सुनता है वफादार है जो जिक्र के करने और सुनने से नफरत करे बे मोहम्मद वाले सलाम्मद ये अमल कर रहे हैं ये मलायका, तो मलायका के अमल के पीछे पड़ गई सारी दुनिया अल्लाह ने कुरान में किया ना बता दिया कि जितना करते करते तुम भी करते जाओ वैसे ही देखे आप मलायका दुरूद पढ़ रहे हैं जो तो तुम दुरूद पढ़ रहे हो सलीका तो सिखा रहा है अल्लाह के मलायका जो जो करते जाए दुरूद पढ़ते हैं तो दुरूद पढ़ो घर पे आके झूला झुलाते हैं तुम भी झुलाया करो झाड़ू लगाते हैं तुम भी लगाया करो अगर वो खिदमत करते हैं तुम भी किया करो कम से कम सलीका सीखो कि ये मलायका के जरिए से कैसे रहा पैदा किया जाता है रे कैसे पैदा किया जाता है एक नहीं सत्तर हजार मलायका अल्लाह के हुक्म से हुसैन इब्न अली की कब्र का तवाफ कर रहे हैं अल्लाह अकबर सोचे आप बहुत लोग इधर उधर भाग रहे हैं बताइए ये क्या है क्या है के लिए आए इन खास ज्यारत के लिए अरे आपने वाजिब चीज छोड़ दिया वाजिब कौन सी चीज़ थी कि छोड़ दिया वाजिब चीज़ जो थी नमाज पढ़ना उससे ज्यारत से क्या टकराओ भाई बताइए क्या टकराव है नमाज यहाँ तक कि ऐसा अल्लाह ने फांस के रखा है कि आले मोहम्मद के दर पर आया तो कोई हुक् छूटे ही नहीं बस ज्यारत भी करो तो दो रखत नमाज अरे अल्लाह क्या नमाज से ताल्लुक है आप देखिए लगा दिया कि नहीं लगा दिया कहा दो रखत नमाज अल्लाह भी जानता है बगैर आल मोहम्मद के मेरी नहीं चल पाएगी अपनी चलाने के लिए का सहारा ले आलि मोहम्मद वाले मोहम्मद सी बातें हैं वक्त तमाम हो गया और ज्यादा हो रहा है इसलिए कम किए दे रहा हूँ फिर इन कल कल परसों दो अभी और है मेरे पास लिहाजा देखें सत्तर हजार मलायका हमारे यहाँ जितनी रवायात हैं बड़ी से बड़ी किताब छोटी से छोटी किताब दिनों रात का काम यही है सबसे कम तरीन चार हजार मलायका और सबसे बरतरीन जो है वो एक करोड़ से जायद मलायका रवायत है यानी सौ लाख को आप जो है हजार से मल्टीपल करें उतने मलाइका ये आखिरी रवायत है इतने मलायका हर रोज और सत्तर हजार की तो ये तो मान लिया अब्दुल अब्दुल्कदर जिलानी ने उन्होंने कहा कि हुसैन की कब्र पर रसूल ने फरमाया था इसलिए सत्तर हजार मलाइका आके तवाफ करते हैं देखा आपने एक भी रवायत मुझे नहीं मिली हाँ रवायत इस तरह मिली मैं दोनों बयान करता हूं एक रवायत नहीं मिली कि आज भी मलायका आके काबे का तवाफ करते हो भी नहीं मिली आज भी करते हो कहा यह है कि जब दुनिया के इंसान काबे का तवाफ रोक देंगे तो फिर मलायका आके तवाफ करेंगे तवज्जो तो कर रहे हैं आप तो आप इस उम्मीद में जा रहे हैं तवाफ करने जहां एक भी मलायका शरीक नहीं है अच्छा करें आप है ना हुसैन की कब्र का इम्तियाज यह है कि सत्तर हजार कमा से कम चार हजार मलायका हर वक्त मशरूफ है तवाफ है और कायद इबादत का नाबुदो यह है कि तुम्हारी इबादतें नाकिस हैं तुम कामिलों की इबादतों से अपनी इबादत मिलाओ तो अल्लाह उसे कबूल करता है ये सत्तर हजार जो तवाफ कर रहे हैं इनके पीछे पीछे तुम भी तवाफ करो अब जब तवाफ करोगे तो ये तवाफ को तो अल्लाह ने उन पर फर्ज ही कर दिया है वो बजा ला रहे अल्लाह कबूल कर रहा है और कबूल करके क्या उनको आखिरत में क्या मिल रहा उनकी तो जिंदगी ऐसे ही चल रही है राजो करो अब जो तुम साथ लग गए हो तुम्हारे ही ऊपर नजूल रहमत हो जाएगा मैं कुछ कह रहा हूं आखरत में मिलना तो और है जितनी देर उनके साथ तवाफ कर रहे हो नजूल रहमत में शामिल हो तो करें आप और ये तो ये है दूसरा सवाल सुन ले ये सत्तर हजार मलाय का क्या गलत कर रहा है तू ऐसा ना कर वरना ये गुमराह हो जाएगी कौम बड़ी जहमत उठाई रसूलुल्लाह ने तिरसठ साल बड़ी जहमत उठाई है अम्मा ने और आज बड़ी तबलीग में जहमत उठा रहे हैं बेचारे लोग जहमत कर रहे हैं ये सब गुमराह हो जाएंगे इबादत नमाज अफजल है तस्बी अफजल है तेरी त, तेरा जिक्र अफजल है, है कि नहीं है तवज्जो कर रहे हैं वो वो मलक जो कि वहाँ पर तस्बीह कर रहा था वहां पर रुको कर रहा था वहां पर सजदा कर रहा था यह अल्लाह न कर अ करें आप अब बताएं जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था उस जिक्र को रोक करके हुसैन के कब्र का तवाफ करवा रहा है या अल्लाह अब ना पूछना कौन अफजल है कौन मफजूल है मैं यही तो बताना चाहता हूं कि इनका जिक्र मेरा जिक्र है अगर इनके जिक्र के जरिए से मुझ तक पहुंचोगे तभी मैं कबूल करूंगा सलाहम्मद एक नहीं हर जगह ऐसा है तो ना समझिएगा कि एक ही के दर पर है जो भी शख्स इमाम हसन की करे, ज्यारत करेदम अलाउ सरा सरात मुस्तकीम पर उसके कदम लफ्जिश नहीं खाएंगे आपको मालूम है कि मजा से शेख मुफीद में आप देखें मैं मैं पढ़ रहा हूँ मुसलसल आपके सामने आयात भी ले आया उसको आप यहाँ मिलाइए अनी फ़ाय नहू मिलनी जो मेरी पैरवी करे वो मुझमें से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करता है शेख मुफीद अपने सनत से लिखते हैं मतबर तरीन सनत कि अब्दुल्ला इबन अब्बास कहता है कि मैंने देखा कि हसन घर से बाहर निकले और नबी मस्जिद नबी में हैं, वहाँ से देख रहे हैं फौरन अब्दुल्ला से कहा कि हसन किधर जा रहे हैं फरमाया कि रसूल अल्लाह वो घर से बाहर निकले हैं रुख बकी की तरफ का था नबी दौड़े और फौरन हसन को पुकारा हसन उनकी तरफ देखे दौड़ के हसन नजदीक आए उठा लिया गोद में बैठ गए और अपने रान पर बिठाया और फरमाया इन नहू वल वह वा तो ये मेरा बेटा है मेरी आँख की ठंडक है इन नहू मनी वो आना मिन हो ये मुझसे है और मैं इससे हूँ इन्ना अमरी इसका मामला मेरा मामला है इल्म हु इल्मी। इसका इल्म मेरा अल्लाह अकबर कि फजाइल किसको कहते कहते बयान करना मस्जिद में बैठ के बयान हो रहा है इबादत या अल्लाह सजदा कीजिए हसन को कहा बिठाए हुए आप जो है फजाइल बयान कर रहे हैं मोहम्मद जिसने इनको बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा ये मेरा जिस्म है मेरा खून है मेरा लहू है और चूमने लगे जगह जगह चूम रहे और चूमते चूमते आप गले हुए मुबारक तक पहुंचे और उसके बाद फ़ौरन मुंह हटा लिया और फ़ौरन अपना दहान दहान पर रख दिया और चूमने लगे अजीजो लिखा यह है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बयान किया मैंने देखा बड़ी देर तक होठों को चूमते रहे मैंने पूछा और जब मैंने देखा कि चूम रहे हैं तो आंखों से आंसू जा रही है मैंने पूछा या अल्लाह मायूब की आपको किस चीज़ ने रुला दिया फरमाया बस जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता जज़ाकुम रब्बुकुम रब कुम खैर जजा उसी के बाद फरमाया कि इसकी शहादत ऐसे होगी इसे जहर दगाओ से शहीद किया जाएगा और देखो इसके कलेजे कट कट के मुँह से निकलेंगे अकबर। उसके बाद फरमाया इब्ने अब्बास से मन ओ रहू जिसने इसकी ज्यारत किया लम तजिल मुस्तकीम शरात से उसके अकदाम जो हैं वो लग्ज़िश नहीं करेंगे अजीजो हसन की ज्यारत के लिए सबसे पहला जायर मेरी नज़र में जो मौजूद है वह हुसैन इबन अली है तारीख में भी है रवायात में भी है शी गैर शी बिहारनवार में भी मौजूद है कि हर शब जुमा हजरत इमाम हुसैन अल हिसरात वसलाम बाकी जाके अपने भाई को सलाम करते थे अल्लाह अकबर आप सोचें हर जगह ज्यारत में ये फिक्र लिखे हैं कि जब भी आप जीारत करिए और फल हक़ उनके हक को पहचानते हुए ज्यारत कीजिए आप सोचें हुसैन से ज़्यादा आरफ कायनात में कौन होगा जो पहचानता होगा हसन हसनला से आगा है जिसने आंखों से हर चीज़ देखी है भाई भाई में कितने दिन का फासला था आप खुद सोचें इसके बाद जो है वो ताबूत बरामद होंगे और ताबूत इमाम हसन निकाल रहे हैं और जाहिर है कि आप सब वाकिफ हैं इमाम हसन स्ल्लाम की शहादत के लिए कोई नहीं कोई इख्लाफ नहीं तमाम मारूफ़ तरीन जितनी किताबें हैं उन्होंने अट्ठाईस सफ़र का हवाला दिया ये जो बहुत ही कम एतबार की किताबें हैं किसी ने सात सफ़र भी लिख दिया किसी ने उसके अलावा भी तारीख़ें लिखी हैं लेकिन ये तारीख़ों का कोई इख्तलाफ नहीं हमारे महत्किन ने जो बहुत ही बसीर थे अट्ठाईस सफ़र को माना है रवायत में यह है कि दो दिन बाकी थे रबी उल को होने में तब इमाम हसन की शहादत हुई अदीजा ने ग्रामी इमाम हसन की शहादत जिस तरह से आई है रवायात में वारिद हुई है कहते ही है कि सारे इमामों ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है इमाम हसन माता मजलूमन यानी मज़लूम है अल्लाह मज़लूमियत का माना तो आप जानते हैं कैसे मजलूम मर गए? जबकि बनी हाशिम के जवान सारे मौजूद थे अब्बास इबन अली भी हैं अब्दुल्ला इब्न जाफ़र भी हैं मोहम्मद हनफिया भी हैं, हैंसैन अब्न अली भी हैं और सारे भाई हैं जो जवान मौजूद हैं और उनकी जवानियाँ इस तरह की थी कि शहरा आफाक लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हसन वो मजलूम है कि जिसको बाज मुसलमान मुजलमन कह के सलाम कर कि आपने जो सुलो कर लिया है इससे हम जलील हो रहे हैं आप देखें कितनी बड़ी जो है वो शमातत है दिल पे लगने वाली बात है इमाम वक्त जो भी करे रसूल ने फरमाया ये उठे तब भी इमाम है बैठे तब भी इमाम अदीदा नगर में मजलूमियत की मौत थी उसी वक्त जिन लोगों ने इम्तहान ईमान था मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन पर जो ठहरा वही मोमिन है जो इमाम हसन से फिरा उसका ईमान चला गया चाहे जितना वो रसूल के जमाने में खिदमत किया हो चाहे जितना वाली मुर्तद के ज़माने में खिदमत किया हो तो इसलिए कि रसूल ने फरमाया मन अन करा मिन्ना जिसने एक का इनकार किया उसने सब का इनकार कर दिया अल्लाह अकबर यह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम इनको इस तरह मजलूमियों से लाए थे कि बस अमीर मन जंग सिफीन की इब्तिदा जो हुई उसमें आपके पैर पर जरब लगा दो और ये रसूल का फरमान उसी रवायत में मौजूद है कि अब्दुल्ला अपने अब्बास से कहा था कि अब्दुल्ला मेरी आंखें देख रही है ये इस ज़ालमिन इसके पैर पर वो ज़रब लगाएंगे कि वो ज़र्ब की चोट अभी मुझे लग रही है अल्लाह अकबर आप देखें देखे, मामे हसन अलसरा वसलाम कि शहादत ऐन शहादत रसूल है रात की मैल इसमें बयान किया कि शाह मुहद्दस दहलवी ने भी किया कि ये जो है शहादत असल में रसूल की शहादत है उनके दीन में ये महफूज है कि रसूल के तमाम तरसीरत का कमाल इस शहादत की वजह से है अदीज़ा नामी एक नहीं चार दफ़ा जहर रवायात में आया है एक नहीं चार दफा और एक रवायत में ये आया है जो मुस्तनद है कि माविया ने रोम से ये जहर मंगाया था शहंशाह रोम को लिखा कि इतना जहर जा, कारी चाहिए एक दफ़े में काम तमाम तो हो उसने कहा हम अपने किसी दुश्मन को भी ऐसा नहीं देते हैं तुमने तो क्यों ऐसा जहर मांगा है कहा ऐसा दुश्मन है ख़त लिखा दोबारा कि जो तुम्हारा भी दुश्मन है और अगर ये आ गया बरसर इकतदार तो फिर जो तुम्हारे यहाँ पेशीन गोइयाँ हैं उसके मुताबिक सारी हुकूमतें छिन जाएंगी। लिहाजा ऐसा जहर भेजो वो जहर मंगा करके जनाब इमाम हसन जालिम के हवाले किया गया और वो जालमा ऐसी है कि पहचानी ही आप अंदाज़ा करिए के जिनको दुश्मनियां हैं दिलों में बोग हैं उनकी पहचान कीजिए इमाम हसन सलाम को जहर दिया उस औरत ने इसका नाम आप सब जानते हैं मारूफ है सिर्फ लालच पर कि तेरा आग यजीद से हो जाए और तुझे ये रकम दी जाती है लेकिन मिला कुछ नहीं जब जहर दे चुकी इमाम की शहादत हो गई और पहुंची तो माविया ने कहा कि जब तूने हसन के साथ वफ़ा नहीं किया तो तेरा क्या भरोसा है बस अजीजा ने जहर जो दिया गया मैं तबील नहीं करना चाहता हूं बात को इस जहर के असरात भी अजीब हैं तमाम तारीखों में ये लिखा है कि जहर जो चार दफा दिया गया तीन जहरों में लोगों को मुशाह नहीं हुआ कि कोई सिफत तारी हुई हो और इमाम बेहतर हो गए लेकिन इस जहर की पहली सिफत ये थी ये आपके तमाम तर रंग चेहरे का बदल गया था अल्लाह अकबर कितना सख्त जहर था चेहरा जर्द हो गया था अजीजो एक रवायत सिर्फ ऐसी मिली है जो आम्मा की रवायत है ये 40 दिन तक तड़पते रहे लेकिन एक रवायत जो सही छठे इमाम ने फरमाया है वो ये है कि जहर के तीन दिन तक इमाम तड़पते रहे तीन दिन तक मैं भी सोचता रहा कि जहर के बाद ये तीन दिन तक क्यों तड़पते रहे अकबर तीन दिन तक रसूल को भी कल मैंने बयान किया तीसरे दिन दुनिया से आप और यहाँ पर जहर जब आया कारी हुआ चेहरा जर्द हुआ तीन दिन तक बिस्तर पर तड़पते रहे आखिर जानते हैं क्यों इसलिए कि जहर से प्यास छिटकता है और प्यासा होता है मजलूम तो प्यास की तशनगी का एहसास तीन दिन तक हो जाए मेरा कलेजा ये कहता है कि करबला की प्यास में शिरकत के लिए अल्लाह ने हसन से भी इम्तिहान ले लिया ए मेरे आखा जब प्यास लगती रही होगी और आप पानी मांगते रहे होंगे तो तारीखों ने यही लिखा कि भाई ने बड़बड़ बड़ के पानी दिया तो जब भाई दे रहा होगा तो तीन दिन की तशनगी आपके जहनों में तो आती रही होगी जजा कुमर रब कुम खैर जदा एक वो भी प्यासा होगा ये तीन दिन तक प्यासा है अरे आखिरी वक्त भी प्यासा है जदा कुम रब कुम खैर लिखा ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तीन दिन तक बिस्तर पर आप तड़पते रहे प्यास के लिए पानी मांगते रहे और जरा बराबर इमाम हुसैन हट जाते थे तो पुकारते थे मेरे भाई को मेरे पास लाओ मसाइले दुनिया भी है उमूर दुनिया भी हैं मेरे भाई को मेरे पास ले आओ। इमाम आते थे अजीज चंद चंद्रा जरूर कहूँगा। आप रोले मुसाफ हो जाए आप पुरसा देने आए हैं। हजरत सैदा को पुरसा देने आए जिसका बेटा जहर दगा से शहीद किया गया ये हजरत सैयदा के बाद अमीर अलमोमनी और अमीर अलमोमन के बाद की शहादत इमाम हसन की सन पचास और इक्यावन की शहादत इस शहादत में ये आलम है कि हाथ पकड़े हुए हैं रवायत कहती है कि आपने अपने भाई से वसीयत करने लगे और फरमाया है भैया हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो और वसीयत शुरू कर दिया अजीजों लिखा ही है ये कभी नजदीक बुला के कान में कुछ कहते थे और कभी तेजी से भी बोलते थे इस दरमियान में एक मरता अपने भाई की तरफ देखा और भाई ने भाई की तरफ देखा फौरन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम के गले पर बोसा दिया बोसा दिया फरमाया भाई मुझे वो वक्त याद आ रहा कि जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो तेरा हाथ मेरे हाथ में है लेकिन ए मेरे भाई जब तू दुनिया से जाएगा तो तेरा कोई मददगार ना होगा अल्लाह अकबर कोई ना होगा जो हुसैन की शहादत के बाद मदद करे भाई का हाथ पकड़े हुए हसन दुनिया से गुजर रहे हैं लिखा रवायत में यही है कि हजीज एक दूसरी रवायत का हिस्सा है कि हजरत जैनब ने देखा और फौरन नजदीक आई भाई को करीब किया और क्या मेरे भाईओ ये क्या बातें हो रही है हसन करीब जैसे ही हुई जैना आपके बाजू पर बोसा दिया क्या बहन से कर बला है अल्लाह अकबर बहन ने पूछा भाई ये क्या रम्स है कहा तुम्हें पता है बाबा ने बयान किया है हुसैन जब शहीद हो जाएंगे बहन हमारी तरफ से कयादत तुम्हारी है ज़दा कुमर बुम खैर जदा अजीज़ा ने गिरामी इमाम हुसैन सलाम हाथ में हाथ लिए हुए हैं वसीयतें हो रही है भाई ने पानी मांगा दे दिया अज़ीज़ो पानी दे दिया बात करते करते एक मरतबा खामोश हुए और फरमाया हुसैन और नज़दीक आ जाओ हुसैन नज़दीक हो गए बप मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ साहेब बिहार लिखते हैं कि इमाम हुसैन अपने सीने से अपने भाई के सीने को लगा लिया और भाई दुनिया से उठ गया भाई इतना कहूंगा ए हुसैन ये मदीना है एक भाई का सीना लगा रहे हो अरे करबला में एक भाई के सीने से तीर निकालो खैर कुमर कुम खारदाजा निगरामी उसके बाद इमाम को गसल दिया गसल दिया गसल देने में चाफर मोहम्मद हनफिया अब्बास इब्ने अली इब्ने अब्बास ये मददगार हैं और गसल देने के बाद भाई की वसीयत के मुताबिक मैयत उठाई भाई ने कहा था अदीज़ो लिखा यही है कुरान का हुक्म भी यही है लिहाजा उस हुक्म के मुताबिक इसने रसूल के बगैर कोई वहां जा नहीं सकता है वसीयत हसन ये थी कि मुझे वहां ले जाओ यानी रसूल की वसीयत थी रसूल ने कहा होगा तभी इमाम हसन ने फरमाया लेकिन जब ये मैयत उठाई गई थी तो वसीयत में एक फिकरा फरमाया था कि भाई मेरी आंख देख रही है कि अगर जालिम ये काम न होने दे तो तहद के तजीद के लिए मुझे नाना की कब तक जरूर ले जाना भाई कितना मजलूम है दोस्तों कितना मजलूम है ये चार जवान और मदीने के और भी बनी हाशिम के अफराध और चाहने वाले भी मैयत में शरीक हो गए चारों ने मैयत उठाई इमाम हुसैन आगे आगे थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आगे थे और दोनों चल रहे थे सामने से जब रोज़ रसूल नज़दीक आया तो मरवान इब्ने हकम ने लोगों को जमा किया और आपके खिलाफ खड़ा हुआ कहा वल्लाह हम यहाँ पर दफन होने देंगे बड़ी बातें हुई मैं नहीं पढ़ता कहा मैं यहाँ पर दफ्न होने दूंगा हजरत इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम की और लेके आगे पढ़ना चले जैसे ही पढ़ना चाह जालिम ने हुक्म दिया तीरों की बौछार की गई अभी ये ताबूत निकाल रहे इस शबीह में तीर के शबीह बनाई है उसके पीछे हजरत अब्बास अलंबरदार का वो टुकड़ा उनकी जमीन का जहाँ ज़री नस्ब है वो टुकड़ा भी है ज्यारत के लिए अजीजों इस ताबूत में इन्होंने एक शबाहत दी है मुझे वो बात याद आ रही है ये शबाहत ऐसी है कि तीर चारों तरफ जो है पैस हुए क्यों इसलिए कि तीरों की बौछार की गई एक दो तीर नहीं इतने तीर मारे गए कि हसन का ताबूत तीरों से अट गया तारीख ने लिखा है कि तीर ही तीर नजर आए ताबूत में अजीजा ने उसके बाद हुक्म इमाम हुसैन से वो ताबूत लेके ये भाई वापस हुए अब मेरी थोड़ी सी बात सुन ले सैयदा को आप पुरसा देने आए हैं इंशाल्लाह आप दिल खोल के रोएंगे अजीज जब मैयत तैयार हो जाती है तो औरतें मर्दों के हवाले करती हैं इसलिए कि ले जाओ इनको दफनाओ इनको ले जाओ दफनाओ और इंतजार में रहती है कि आके खबर मिलेगी कि हमने बड़े अच्छे तरीके से दफना दिया अजीजों दो बहने बहनेजन की एक जैनब कु इंतजार में है अरे मेरे भाई आ रहे हैं अभी बताएंगे कि मैयत को सलीके से लेटा दिया और एक मर्तबा फिजा दर पर खड़ी है अजीजों जो देखा वापसी दौड़ी का अभी भी, भी गजब हो गया आ जैनब ने कहा क्या हुआ दमे दर आई दौड़ के एक मरतबा आवाज आई जैनब ठहरो भाई का ताबूत अंदर ला रहे अजीजो जब ला रहे थे जैनब ने देखा तो हसन के ताबूत पर तीर थे अरे जैनब को बर्दाश्त हुआ और गश में गिर गई मेरे भाई के साथ क्या जुल्म हुआ बस दिल चाहता है कहूं भी, भी? ये हसन है मदीना है मदीने में हसन के ताबूत पे तीर लगे है ये तीरा से बर्दाश्त न हुए अरे उस मजलूम को पूछिए जब घोड़े से गिरेगा तिरों पर लाशा मोहल्ल होगा कदम होगा खुलेगी आवाज देगा तू कौन है आवाज आएगी अला को हुसैन बेकर बला से भल होश नो बे कर बला तो निकाल से अरे देखो हुसैन की क्या हालत है उन्नीस सौ है जख्म तने चाचा जैन अब निकल हुसैन तड़पता माता में हुसैन यहां ओ ओ ओ सन, सन, सन ये किसका जनाजा है बहरेसात में तिरों की ये किसका जनाजा है बरेसात में तिरों की ये किसका जनाजा है बहरे में तीरों की ये किसका जनाज़ा है बहरे में तीरों की ये किसका जनाज़ा है बहरे में तीरों की ये किसका जनाजा है बरसात में तिरों की ये किसका जनाजा है बरसात में तिरों की ये किसका जनाजा है बरसात में तिरों की ये किसका जनाजा है बतलाओ मुसलमानों ये किसका नवासा है बहरेसात में तीरों की ये किसका जनाजा है बरसात में तीरों की